नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो देखिए, हमने जो फिजिक्स में कल पढ़ा था, मिरर एंड लेंस पढ़ रहे थे, तो एक बार मैं सबको रिवाइज करा देता हूं। तब तक के लिए आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है? जो लोग पहली क्लास ले रहे हैं आज, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था मिरर पढ़ा था, तो इसमें लिए थे हमने कॉनकेव कॉनवेक्स। अब कॉनकेव में क्या होता है, जैसे हमने लिया था ये कॉनकेव हो गया, यहाँ था आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर, ये इन्फिनिटी। तो हमने इसमें पूछा था आपसे, यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है? उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और उसकी नेचर क्या होगी, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, इन्वर्टेड होगी प्लस रियल होगी, इन्वर्टेड होगी रियल होगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ये सब हमने डील किया था इन सब के साथ। तो सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखी है, सेंटर ऑफ फोकस की, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो आप बोलोगे सेंटर के परे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ठीक है? यदि कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो कहाँ पर बनेगी, वो बनेगी इन्फिनिटी पर बनेगी, लार्जेस्ट बनेगी, इन्वर्टेड होगी प्लस रियल होगी। और कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, मिरर के परे बनेगी, ठीक है? लार्जर होगी बट नॉट लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नहीं होगी, सीधी होगी, इरेक्ट होगी प्लस वर्चुअल होगी। तो ठीक है, फिर इसके हमने यूज कराए थे। यूजेज में देखो आपके लिए क्या क्या कराए थे, जैसे यूज में थे दंत चिकित्सक के लिए ENT, ठीक है, कान नाक दांत के जो स्पेशलिस्ट है उनके लिए, और आप दर्पण में क्या मतलब अपना दाढ़ी बनाते हैं, हजामत के लिए बनाया था। कैसे बताया था, कोई चीज़, देखो जब हम इसको ऑब्जेक्ट को दर्पण के पास ले जाएंगे तो ये क्या बनाएगी, बड़ी इमेज बनाएगी, ठीक है, बड़ी और रियल और सीधी इमेज बनाएगी। तो किसके लिए, इसलिए इसका यूज कर सकते हैं हम दाढ़ी बनाने में, सेविंग में, हजमत, ठीक है, क्या बोलते हैं, हजामत में। इसके बताए थे, इसके बाद लिया था हमने कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का हमने बताया था, इसकी जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की हमेशा वस्तु से छोटी बनेगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, हमेशा सीधी होगी, आभासी होगी। तो इसके कारण इसका यूज कहाँ करते हैं, जो आपके दर्पण हैं, जो आपका वाहन होते हैं, उनके साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, यह किसी भी, ठीक है, जब कोई वस्तु इसके पास ले जाते हैं, तो यह हमेशा उसकी छोटी और सीधी इमेज बनाती है, तो जैसे आप वाहन में चल रहे हो, पीछे से कोई आपका जैसे ट्रक आ रहा है, तो उसकी छोटी इमेज बनाएगी और सीधी इमेज बनाएगी, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो ये इसके यूज थे, ठीक है, तो इनके यूज आपको समझ में आ गए होंगे। अब उसके आगे चलते हैं, अब आ जाइए लेंस पे। इसमें हमने सवाल भी कराए थे, ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप कर सकते हो। अब आइए लेंस पे। लेंस देखो, लेंस भी आपके सेम है, लेंस भी सेम ही उसी पैटर्न पे आधारित है जो हमने आपका मिरर कराया था। तो देखो, सबसे पहले आता है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। ये क्या होता है आपका, ये होता है डाइवर्जिंग मतलब अपसारी, यह प्रकाश को फैलाता है, यह है, नोट कीजिएगा सभी लोग, प्रकाश को फैलाता है, यह प्रकाश को फैलाता है। तो यह चीज आप सबने नोट कर ली होगी, रब कर देता हूं मैं इसको। तो देखिए, अब पढ़ रहे हैं हम कौन सा, कॉनकेव लेंस। अवतल दर्पण, तो देखो ये क्या होता है, किनारों पर मोटा, बीच में पतला, यहां से हमने कोई लाइन ली, ये हो गया पोल वन
ऑप्टिकल सेंटर, ये पोल टू, ये यहाँ तक मान लिया हमने फोकस, ये डबल फोकस, ये हो गया आपका इन्फिनिटी। जो आपका डबल फोकस है, ये आपका जो डबल फोकस है जो आप पढ़ के आए हो मिरर में, जो कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वो इसमें हो गया आपका डबल फोकस। इसमें क्या हो गया आपका डबल फोकस, क्यों? देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एफ, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी 2f, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या दिखाता है 2f, तो हो गई। अब देखो, अब आपकी जो वस्तु आपसे पूछ ले कि कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी होगी, मतलब उसकी नेचर कैसी होगी, कितनी साइज की होगी, या 2f पर रखी है तो उसकी इमेज, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी होगी, कितने साइज की होगी और उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो हम ऑब्जेक्ट को किस जगह पर रख सकते हैं, एक तो अनंत पर रख सकते हैं, इन्फिनिटी और 2f के बीच में, दो, एक 2f है, एक 2f और f के बीच में, एक f है f और p पोल के बीच में, तो छह जगह हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, छह जगह पर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो देखिए, मान लो हमने ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं सर्कल से, ऑब्जेक्ट इससे डिनोट करते हैं चौकोर से, इमेज को, प्रतिबिंब को, ठीक है, ये वस्तु, ये प्रतिबिंब, तो देखो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, एक, अब इन्फिनिटी और 2f के बीच में, फिर 2f पर रख दिया, 2f और f के बीच में, फिर फोकस पर रख दिया, फोकस और पोल के बीच में रख दिया, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इसको चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, समझ में आना चाहिए कहने का मतलब, ठीक, इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो देखो आप पढ़ के आए हो, ये है कॉनकेव लेंस, आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसका मतलब जो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, वो क्या होगा, एक एक दूसरे के सेम पैटर्न पे आधारित होंगे, एक दूसरे से जैसे कैसे होंगे, देखो यहाँ से इसकी इमेज यहाँ से निकाल लो, 6 5 4 3 2 1, ये 6 5 4 3 2 1। तो देखो अब आपसे पूछे कोई कि कॉनकेव लेंस में कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, ठीक है, कॉनकेव लेंस से कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी की दूरी पर रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, और उसकी नेचर कैसी होगी, और उसका आकार क्या होगा। तो इन्फिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, फोकस पे उसकी इमेज बनेगी, देखो सर्कल से डिनोट कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, और इस चौकोर से डिनोट कर रहे हैं इमेज को, तो ऑब्जेक्ट आपकी रखिए इन्फिनिटी पे, अनंत पे, ऑब्जेक्ट आपकी रखिए इन्फिनिटी पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज के लिए चौकोर देखो, तो चौकोर कहाँ है, 1, एफ फोकस पे, तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, पॉइंट साइज की होगी, मतलब सबसे लोएस्ट साइज की होगी, एक बिंदु आकार की होगी, कैसी होगी आपकी, होगी इरेक्ट प्लस वर्चुअल, ठीक है, सीधी प्लस आवासी। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन ले पूछ लेता हूं भाई, यदि किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस से किसी ऑब्जेक्ट को हम 2f की दूरी पर रखें, 2f की दूरी पर रखें, तो उसकी इमेज उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या होगी, और उसका आकार क्या होगा, साइज क्या होगा। तो आप बोलोगे देखो 2f ऑब्जेक्ट रखा है, 2f है, ऑब्जेक्ट को डिनोट किससे कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल से, तो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर्कल पे कौन सा है, 3, सर्कल पे कौन सा हो गया, 3, तो 3 इसकी इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 3 देखो यहाँ, तो कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। और देखो अब एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखो, 1 से लेके 6 तक,
एक से लेकर छह तक आपकी पोजीशन है, यहाँ आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, यहाँ आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। तो देखो एक चीज़ याद रखना है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज बनेगी फोकस पर, पॉइंट साइज की बनेगी। कैसी बनेगी? सीधी होगी, आभासी होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। उसके अलावा जो पांच पोजीशन बची हैं आपकी, पांच जगह बची हैं, उन सब की इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। और कैसी बनेगी? इरेक्ट प्लस वर्चुअल, सीधी, आभासी। और कैसी होगी? वस्तु के आकार से छोटी होगी। तो नोट डाल के भी लिख सकते हो, नोट डाल के क्या लिख सकते हैं? अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा सीधा और आवासी बनेगा। ठीक है ना, यहां तक ये समझ में आ गया होगा सब? ठीक है, इसके बाद लेंगे हम कॉन्वेक्स कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद आएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, रब कर देता हूं। अब आप कॉन्वेक्स 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 लेंस ये होता है उत्तल लेंस ये होता है आपका डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, यह प्रकाश को फैलाता है, यह प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट होता है मिरर का। ठीक है, जो आपने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा, इससे पहले के लेक्चर में आपने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या करता है? प्रकाश को एकत्रित करता था, प्रकाश को एक जगह क्या करता था? एकत्रित करता था। ठीक है, प्रकाश को फैलाता है कन्वर्जिंग, यह प्रकाश को एकत्रित करता है, कन्वर्ज कर रहा है, अभिसारी हो गया तो क्या है? एकत्रित कर रहा है, यह प्रकाश को एकत्रित करता है। इसका जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, आप कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, वो क्या करता था? ये एकत्रित कर रहा है, वो फैलाता था। ये एकत्रित कर रहा है, वो क्या करता था? फैलाता था। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? इस टाइप का होता है, यहाँ से आपने कोई लाइन खींची, ये पोल वन, ये पोल टू, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ से ये फोकस एफ हो गया, ये 2F हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ऐसे इधर एफ हो गया, ये 2F हो गया, इधर ही मान लो तो इन्फिनिटी मान लो। तो कहने का मतलब, अब आपका कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं हम? इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी और 2F के बीच में, 2F है, 2F और F के बीच में, F है और F और पोल के बीच में। तो छह जगह पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। कितनी जगह पर रख सकते हैं? छह जगह हम अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। सपोज करो, मान लो कि मैंने अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा, अनंत पर रखा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? मेरे को बताइए उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो आप बोलोगे, सर आपने जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा तो उसकी इमेज बनेगी आपकी अनंत पे, इन्फिनिटी पे, अनंत पे तो रखा है, तो कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो कहने का मतलब, आपने ऑब्जेक्ट रखा एक, फिर रख दिया इन्फिनिटी 2F के बीच में, फिर 2F है, 2F और F के बीच में, F पे, और ये 6। मतलब हम लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट को सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको चौकोर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी इमेज को, इमेज मतलब प्रतिबिंब को, ऑब्जेक्ट वस्तु। ठीक है, तो देखो
यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, अनंत पर रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज बनेगी फोकस पे। उसकी इमेज कहाँ बनेगी आप बोलोगे? फोकस पे। और कैसी बनेगी आप बोलोगे? इन्वर्टेड प्लस रियल और पॉइंट साइज की। अगर दो पे रखा है इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो आप बोलोगे f और 2f के बीच में। अगर 2f पे रखा है तो सेम साइज की बनेगी, 2f पर ही बनेगी। ठीक है, ये दो हो गया, तीन हो गया। अगर 2f और f के बीच में रखा है, 2f और f के बीच में रखा है तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ बन जाएगी। अच्छा, अगर आपका फोकस पर रखा है तो कहाँ बन जाएगी? जी इन्फिनिटी पर। ठीक है, और आपका पोल ऑफ फोकस के बीच में रखा है तो यह ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। तो देखो, आपसे क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसमें? उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस पर रखा है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, कैसी प्रकृति की बनेगी? तो इसका आंसर आप क्या दोगे? ये फोकस पर रखा है तो देखो सर्कल रिप्रेजेंट करता है आपका ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? 5। तो इसकी इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है चौको, तो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है 5। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को उत्तल लेंस में फोकस पर रखते हैं तो उसकी इमेज अनंत पर बनती है, उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और लार्जेस्ट होगी, लार्जेस्ट होगी। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट, एक और क्वेश्चन बोलूँ, यदि कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया है उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी और उसका आकार कैसा होगा? ठीक है, तो आप बोलोगे कहाँ रखा है? फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में कौन सा? 6। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल से तो 6 हो गया। तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? तो आप बोलोगे इसकी इमेज सर ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी? इरेक्ट, वर्चुअल, सीधी और आवासी। और इसका आकार, ठीक है, आकार क्या होगी? जो कि लार्जर होगी बट नॉट लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नहीं होगी। तो देखो ये इमेज आपकी कौन सी आ गई? इन्वर्टेड प्लस रियल। ठीक है, ये पॉइंट साइज की होगी, ये सेम इमेज होगी। देखो यहाँ जो इमेज बनेगी वो होगी पॉइंट साइज की, ये छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। जैसे पूछ ले कि आपका ऑब्जेक्ट अनंत और 2f के बीच में रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, किस आकार की होगी और उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो उसकी इमेज f और 2f के बीच बनेगी। ठीक है, किसकी होगी? डिमिनिश्ड होगी, वस्तु से छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, उल्टी होगी और वास्तविक होगी। ऐसे पूछ ले, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सब का आंसर दे सकते हो। तो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है तो उसकी इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधी होगी प्लस वर्चुअल, आवासी होगी, सीधी प्लस आवासी, सीधी होगी और आवासी होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ये क्या होगी? लार्जर बट नॉट लार्जेस्ट, बट नॉट लार्जेस्ट। ठीक है, तो इतना यहां तक समझ में आ गया होगा सबकी, में सबकी समझ में आ गया, बता दीजिए एक बार, आ गया? चलो रब कर देते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाइए इसके यूज पर, अब आ जाइए इसके यूजेज पर, यूजेज ऑफ लेंस। यूजेज ऑफ लेंस, तो लेंस के यूज करते क्या है? तो सबसे पहले देखो लेंस का यूज आता है आपका नॉर्मल आई, समझ लो पहले आई में का क्या यूज होता है, नॉर्मल आई होती क्या है? ठीक है, एक मतलब स्वस्थ व्यक्ति की आंख, स्वस्थ व्यक्ति की आंख के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मान लो ये आंख है, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, बस समझ लेना आप, ये क्या होता है? डाई दी उत्तल लेंस, मान लो एक तरह से दी उत्तल, डाई
कॉन्वेक्स, ठीक है, डाई कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो जो साधारण मनुष्य, जिसको स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य है, उसकी आंख, उसकी आंख देखो इस भाग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया, कॉर्नी, ठीक है, कॉर्निया, जिसको कि जैसे आपकी मृत्यु हो जाए तो बोल देते हैं ना कि हम आंखों को दान कर दें, तो उस आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, आप बोलोगे कॉर्निया, कॉर्निया भाग को हम दान करते हैं। तो देखो जो साधारण मनुष्य क्या है, मतलब स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य की जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, रेटिना पर, कहां बनेगी, रेटिना पर, मतलब उसके कोई बीमारी नहीं है, हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, तो उसके मनुष्य की इमेज कहां बनेगी, आंख पर इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर, ठीक है, आंख पर इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, रब कर देता हूं। अब देखो, अब इसके कारण लेंस का यूज कहां होता है, जैसे सबसे पहले मान लो किसी व्यक्ति को रोग हो गया मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश वालों के लिए नियर शॉर्ट साइटेडनेस, कहने का मतलब जब किसी, ठीक है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष से कोई ग्रसित हो जाता है तो उसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष मतलब जो चीज कह रहा है वो चीज सत्य है, जो चीज है वो चीज रियल है, इस कंसेप्ट पे आप फोकस करो, ठीक है, जो चीज कह रहा है वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो निकट दृष्टि दोष, तो कहने का मतलब निकट की चीजें उसे देख साफ दिखाई दे रही हैं, निकट की चीजें उसे साफ दिखाई दे रही हैं, दूर की चीजें उसे साफ दिखाई नहीं दे रही। तो लिख लीजिए, सभी फोन डाल के लिखिए, इस दोष में लिखो, चलो मैं लिखा देता हूँ, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। दूसरा पॉइंट डाल के लिखिए, दूसरा, यह दोष ज़्यादातर स्कूल के बच्चों में और 18 साल कि कम एज वाले बच्चों में पाया जाता है, यह दोष ज्यादातर स्कूल के बच्चों में और 18 साल की कम एज वाले बच्चों में पाया जाता है, ठीक है, दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट पे आइए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब इस दोष का निवारण कैसे करेंगे, इस दोष का निवारण कैसे करेंगे, तो लिख लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, देखो बता देते हैं, ये आपकी आंख है, ठीक है, तो देखो कॉनकेव लेंस, ये आंख हो गई, ये आंख किसकी है, उसकी है, उस व्यक्ति की है जिसे मायोपिया रोग हुआ, निकट दृष्टि दोष हुआ, निकट दृष्टि दोष हुआ, तो उसमें क्या होता है, देखो निकट दृष्टि दोष वाले की जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से कुछ पहले बना देगा, रेटिना से कुछ पहले बना देगा, ठीक है, प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, रेटिना से पहले, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा, बनना चाहिए था रेटिना पर, तो उसका प्रतिबिंब जब पहले ही बन जाएगा तो क्या, कहने का मतलब को निकट की चीजें तो उसे आसानी से दिखाई दे जाएंगी, दूर की चीजें आसानी से दिखाई नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, तो इसको, इस दोष को कैसे दूर किया जाए, तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, एक अवतल लेंस का यूज करना है। देखो अवतल लेंस की आप प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, ये क्या करता है, यह प्रकाश को क्या करता है, देखो एक चीज अगर भूल जाए, कभी भी भूल जाए, तो आपको एक चीज मिरर याद करनी है, मिरर में कौन के मिरर क्या करता था, यह प्रकाश को फैलाता था, प्रकाश को फैलाता था, कन्वर्जिंग करता था, और कॉनकेव लेंस ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग, ये प्रकाश को क्या करता है, ठीक है, ये प्रकाश को क्या करता है, एकत्रित करता है, प्रकाश को क्या कर देगा, एकत्रित करेगा, ठीक है, कॉनकेव क्या करता था, प्रकाश को क्या करता था, एकत्रित करता था, कन्वर्जिंग,
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दोबारा सुन लीजिए, कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग अब ठीक है, अब सर मतलब जो कि प्रकाश को एकत्रित करता था, कन्वर्जिंग करता था, प्रकाश को एकत्रित करता था, एकत्रित करता था, अब जी उसका जस्ट रिवर्स होगा, कॉनकेव लेंस जस्ट रिवर्स होगा, यह क्या करेगा, यह प्रकाश को फैलाएगा, प्रकाश को फैलाएगा, जब फैलाएगा तो देखो यहाँ आएगा ऐसे लिया, तो ये प्रकाश को फैलाएगा तो इसकी जो इमेज बनेगी थोड़ी फैलाएगा तो थोड़ी इससे अलग हटके कहाँ बनाएगा, ये रेटिना पर, अलग हटके कहाँ बना देगा, रेटिना पर, ठीक है। तो क्या करेगा, प्रकाश को फैलाएगा तो ये इमेज कहाँ बना देगा, रेटिना पर, जब रेटिना पर इमेज को बना देगा तो बस फिर क्या, आपका दोष दूर हो गया, फिर तो आप लगा लो लेंस, लो कोई चश्मा लगा लो जिसमें ऑप्टिकल लेंस का यूज कर लो, तो आपको निकट की भी आसानी से और दूर की भी आसानी से दिखाई दे जाएंगे, क्यों, निकट की तो आप पहले भी आसानी से देख रहे थे, क्यों, आपको तो मायोपिया था, मायोपिया में क्या होता है, आपको दूर की चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो उसके लिए, उसको दूर करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिकल लेंस का, कॉनकेव लेंस का, किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का, समझ में आ गया हुआ, आप कर देते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, अगले पे आइए, इसको क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, दूरदृष्टि दोष, फार लॉन्ग साइटेडनेस। तो देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में होता है, कहने का मतलब जो चीज दी है वो ही रियल है वास्तव में, बाकी सब काल्पनिक है, तो दूरदृष्टि दोष है, तो ये चीज मान के मत चलो कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु, दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो दूरदृष्टि दोष का मतलब है दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी और पास की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, पास की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए यह दोष, या ऐसे लिख लीजिए, इस दोष में, इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूसरा पॉइंट डालिए, इस दोष में, इस ठीक है, या ऐसे लिख लिए, यह दोष मध्यम, ठीक है, मध्यम आयु वाले पुरुषों में पाया जाता है, मध्यम आयु वाले पुरुषों में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट डालिए, इस दोष का निवारण, इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, इस दोष के निवारण के लिए हम किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अब आ जाइए, होता कैसे है, होता कैसे, देखो ये आपकी आंख है, ठीक है, तो देखो ये आपका दूरदृष्टि दोष, तो इसमें जो प्रतिबिंब है जो रेटिना पे ना बनकर, रेटिना पे ना बनकर रेटिना से थोड़ा भार बन जाता है, रेटिना पे ना बनकर रेटिना से थोड़ा कहाँ बन जाता है, ये भार प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना पे ना बनकर रेटिना से थोड़ा भार प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिख लेता परंतु पास की वस्तु इसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु इसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉनवेक्स लेंस का। कॉनवेक्स लेंस करता क्या है, प्रकाश को एकत्रित करता है, प्रकाश को एकत्रित करता है, एक जगह फैलाता है, तो यहाँ से ये आएगी लाइट, ऐसी लाइट आई तो ये क्या करेगा, प्रकाश को एक जगह एकत्रित करेगा, ठीक है, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, रेटिना पे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, रेटिना पे, ये कहाँ बनता था, रेटिना से परे, रेटिना से दूर। देखो इस दोष का मुख्य कारण ऐसे लिख सकते हो, इस दोष का मुख्य कारण प्रतिबिंब का रेटिना से दूर बनना, इस दोष का मुख्य कारण प्रतिबिंब का रेटिना से दूर बनना है, तो ठीक है, तो इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, और इस दोष के निवारण के लिए हम किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज कर देंगे तो आपका कहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब, रेटिना, ठीक है, रेटिना पर बन जाएगा और आप आसानी से पास की चीज को भी आसानी से देख सकते हो, तो ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड पे आ जाइए, रब कर देता हूँ,
अब आ जाइए थर्ड पे। तो देखिए अगले पर आ जाइए, अगला क्या कहता है आपका, ये क्या है यूजेज ऑफ लेंस। अगला है आपका जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या बोलते हैं इसे, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। तो देखो जरा दृष्टि दोष यह किस में होता है, तो देखो यह इस दोष के कारण, लिख लीजिए फोन डाल के, इस दोष के कारण ठीक है, दूर की और पास की, दूर की और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष में दूर की और पास की कहीं की भी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, या ऐसे लिख लो इस दोष के कारण दूर की और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पहला पॉइंट लिख लिया। सेकंड पॉइंट, यह दोष ठीक है वृद्ध अवस्था में होता है, यह दोष वृद्ध अवस्था में होता है या ओल्ड एज पर्सनों में होता है, ओल्ड एज मतलब वृद्ध अवस्था वाले पर्सनों में होता है ठीक है। थर्ड पे लिखिए, यह दोष ओल्ड एज की अवस्था में होता है, ओल्ड एज की अवस्था में होता है ठीक है। इस दोष के निवारण के लिए हम इस दोष के निवारण के लिए दो फोकल लेंस का यूज करते हैं जैसे कोई मान लो ठीक है इस टाइप का एन आ गया आपका, तो इसमें जो नीचे होगा ठीक है द्विफोकल लेंस का यूज करते हैं, तो जो नीचे वाला लेंस होगा वो होगा आपका उत्तल लेंस और ऊपर वाला लेंस होगा वो होगा आपका अवतल लेंस ठीक है। इस दोष के निवारण के लिए हम द्विफोकल लेंस का यूज करते हैं जिसमें नीचे वाला उत्तल लेंस होता है, ऊपर वाला अवतल लेंस होता है, नीचे वाला उत्तल लेंस होता है, ऊपर वाला अवतल लेंस होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे लोग अखबार पढ़ते हैं तो देखो नीचे झुका लिया, ऐसे झुका लेते हैं तो उसको स्पष्ट पढ़ लेते हैं, तो देखो इसको ऐसे भी आ जाता है। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ाया था, दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं ठीक है, और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो उसके एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो सुबह सुबह पिताजी का अखबार पढ़ना। जैसे कोई आते हैं तो अखबार आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और दूर की चीज़ तो पास, जैसे ऐसे देखो अखबार लिया, अब आप देखोगे तो कोई कोई आपने देखा होगा कि उसको दिखाई नहीं देती पिताजी, मतलब वो तो उसके लिए जिसको ये दोष है, दूरदृष्टि दोष है उसके लिए, तो उसको पास की चीज़ ऐसे देखेगा तो उससे कुछ नहीं दिखाई देगा, छोटे छोटे से अक्षर दिखाई देंगे, जैसे दूर कर लेगा तो उसको स्पष्ट दिखाई देगा, या चश्मे का यूज करेगा, ऐसे चश्मा लगा लिया जैसे यूज करेगा दिखाई देगा ठीक है। ऐसे ही ठीक है किसी का धागा डालना, अगर सुई में धागा डालोगे पास या नहीं डालेगा, दूर ले जाना पड़ेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा तो धागा डाल जाएगा, तो उसका कौन सा यूज है, दूरदृष्टि दोष वाला ठीक है। वो कौन सा है दूरदृष्टि वो दोष का, तो उसमें किसका यूज करते थे, हम करते थे कॉन्वेक्स लेंस का, किसका कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का। अब इसमें दोनों का यूज करेंगे, नीचे चश्मा देखा ऐसे कर लिया तो ठीक है, जो पास की चीजें वो स्पष्ट दिखाई दे जाएंगी, ऐसे करके देख लिया दूर की चीज स्पष्ट दिखाई दे जाएगी, तो इसमें किसका यूज करते हैं द्विफोकल लेंस का, नीचे वाला उत्तल लेंस ये की पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऊपर वाला होता है अवतल लेंस। तो यह भी आपके समझ में आ गया होगा ठीक है, रब कर देते हैं ठीक है। एक और लिख लियो, इसलिए ओल्ड एज वाले पर्सन एनक का यूज करते हैं, इसलिए ओल्ड एज वाले पर्सन जो किस जरा दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं एनक का यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट चलो।
अगला क्या कहते हैं, चौथा है अबिंदुकता। अबिंदुकता ठीक है। तो देखो अबिंदुकता में क्या होता है, अबिंदुकता में क्या होता है, अबिंदुकता में बता देते हैं। तो देखो दिखाई दे रहा है, इंक डालने के, चलो इंक डाल लेते हैं इसमें थोड़ा और स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। ठीक है इंक डाल लेते हैं इसमें हम। अबिंदुकता अब चल रहा है आपका अबिंदुकता। ठीक है तो देखिए नेक्स्ट है आपका अबिंदुकता। तो अबिंदुकता दोष कैसे होता, अबिंदुकता दोष कैसे होता है, मान लो ये आपकी आंख है, ठीक है ये आपका कोर्निया है, दोबारा बना देते हैं क्यों टेंशन लेते हैं। ठीक है ये आपका कोर्निया हो गया, ये क्या हो गया लेंस हो गया ट्रूफोकल। तो ये कोर्निया पे जो बिंदु हुए हैं इसके कारण देखो यहां जाएगा, ठीक है कोर्निया ऐसे, तो इसकी जो इमेज होंगी ठीक है, तो इस दोष में क्या होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता दोष में क्या होता है जो इमेज बनेगी जो, ठीक है जो आंख पर इमेज बनेगी रेटिना पर, ठीक है बहुत से पॉइंटों पर बनेगी, एक बिंदु पर ना बनकर अलग अलग बिंदुओं पर बनेगी, एक बिंदु पर ना बनकर उसकी इमेज क्या होंगी अलग अलग बिंदुओं पर बनेगी, एक बिंदु पर ना बनकर उसकी इमेज अलग अलग बिंदुओं पर बनेगी। यह क्यों होगा, रीजन क्या है इसके पीछे का, रीजन क्या है, यह इसलिए होगा क्योंकि जो आपका कोर्निया, कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना, कोर्निया के टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण जो इस पर रेटिना पर इमेज बनेंगी वो एक बिंदु पर ना बनकर अलग अलग बिंदुओं पर बनेंगी, तो वही इस रोग का, इस दोष का कारण है। तो लिख लीजिए यह दोष, ठीक या ऐसे लिख लीजिए इस दोष में ठीक है इमेज रेटिना के एक बिंदु पर ना बनकर अलग अलग बिंदुओं पर बनती हैं, रेटिना के एक बिंदु पर ना बनकर अलग अलग बिंदुओं पर बनती हैं। क्यों, अब देखो इस क्यों बनती हैं इसका रीजन लिख लिए, क्योंकि क्योंकि देखो या ऐसे लिख लिए, सबसे पहले दोबारा बता देता हूँ, इस दोष में ठीक है आँख पे जो इमेज बनती हैं, ठीक है आँख की जो रेटिना पर इमेज बनती हैं वो एक बिंदु पर ना बनकर अलग अलग बिंदुओं पर बनती हैं, अलग अलग बिंदुओं पर बनती हैं। ठीक है यह इसलिए होता है क्योंकि कोर्निया, कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण यह होता है, कोर्निया कोर्निया ठीक है, कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण यह होता है, कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण यह होता है, ठीक है कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण यह होता है। ठीक है अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसको दूर कैसे किया जाता है, तो देखो इसके लिए आप होता है टोरिक लेंस, टोरिक लेंस होता है इसके लिए हम टोरिक लेंस का यूज करते हैं, टोरिक लेंस का यूज करते हैं ठीक है इसके दोष को दूर करने के लिए। टोरिक लेंस क्या होता है, जैसे ये होगा आपका एक सिलेंडर, तो सिलेंडर में से जो लेंस कटेगा, सिलेंडर में से जो एक लेंस कटता है उसे बोलते हैं टोरिक लेंस, ठीक है टोरिक, तो सिलेंडर में से जो लेंस कटेगा वो हो जाएगा आपका टोरिक लेंस, तो इसके लिए हम टोरिक लेंस का यूज करते हैं। और चीज देख लीजिए इसमें, ठीक है कॉर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण जो इमेज बनेंगी, ठीक है रेटिना के एक बिंदु पर ना बनकर अलग अलग बिंदुओं पर बनेंगी, अलग अलग बिंदुओं पर बनेगी। और लिख लीजिए इस दोष में, पॉइंट डाल के, इस दोष में ये आपकी हो गई वर्टिकल लाइन, ये हो गई आपकी हॉरिजेंटल लाइन, इस दोष में वर्टिकल एक तरह से अभिलंब, वर्टिकल अभिलंब और क्षैतिज,
अभिलंब और क्षैतिज लाइनों को एक साथ नहीं देखा, स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता, एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता। यदि हम वर्टिकल लाइनों को स्पष्ट देखते तो हॉरिजेंटल लाइन आपकी घुमावदार देखेंगे, लेकिन यदि हम वर्टिकल लाइनों को स्पष्ट देखते हैं तो हॉरिजेंटल लाइन आपकी घुमावदार देखेंगे, और हॉरिजेंटल लाइनों को यदि हम स्पष्ट देखते हैं तो वर्टिकल लाइनें घुमावदार देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अभिनुक्ता समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। तो ये हो गए आपके दोष किसके कारण होते हैं, ठीक है, जो अभिनुक्ता के कारण होते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा लेंस के बारे में। एक बार पूरा फिर से रिवाइज करा देता हूँ जिससे कि और क्लियर हो जाए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कॉनकेव लेंस, फिर पढ़ा हमने कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में लाइट का डाइवर्जिंग होता है, एक तरह से डाइवर्जिंग होता है, तो वो लाइट को क्या करता है, बखेड़ता है। और जो आप कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। देखो आपने जो कॉनकेव मिरर में पढ़ा वो इसका जस्ट रिवर्स कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर का कॉनवेक्स लेंस, और जो कॉनवेक्स लेंस होगा वो कॉनकेव मिरर की तरह होगा। तो उसकी तरह हम इसके निकाल सकते हैं कि कोई इमेज इन्फिनिटी पे तो उसका, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम इसके दोषों पे आए। तो आपको पता है एक नॉर्मल आई मतलब एक स्वस्थ मनुष्य की आँख का जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसमें आँख का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। स्वस्थ मनुष्य की आँख में जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। बट यदि उसमें दोष आ गए, अब उनने उसके दोष पढ़े थे आई के, जो दोष हैं, सबसे पहला था मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की चीज़ स्पष्ट दिखाई दे, दूर की चीज अस्पष्ट दिखाई दे। तो यह दोष किस में होता है, बच्चों में होता है जो 18 साल की कम उम्र के होते हैं, जो पढ़ने जाते हैं, ठीक है। और इसको दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का, कि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाएगा। तो क्यों, अब ये किस कारण हुआ, क्योंकि जो आपकी इमेज बन रही है किस पर, रेटिना पर, जो रेटिना पर इमेज बन रही है वो क्या हो गई, वो पहले ही बन गई रेटिना पर ना बनकर। तो इसलिए वो कौन सा, निकट दृष्टि दोस्तों, उसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करेंगे, क्योंकि वो प्रकाश को क्या और ज़्यादा फैलाएगा, तो वो प्रतिबिंब को रेटिना पर बना देगा, प्रतिबिंब को कहाँ बना देगा, रेटिना पर बना देगा। इसके बाद हमने प्यारे बच्चों पढ़ा था दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ हमें स्पष्ट दिखाई देती है, पास की चीज़ हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसके यह क्यों होता है, इसका रीज़न यह है कि जो आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर ना बनकर रेटिना से थोड़ा दूर बनता है। तो उसको हमें रेटिना पर बनाने के लिए क्या करते हैं, रेटिना पर बनाने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। क्यों, उत्तल लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, प्रकाश को इकट्ठा करेगा। तो उत्तल लेंस उसको पहले ही बना देगा, तो उसकी इमेज को कहाँ बना देगा, रेटिना पर बना देगा। तो इस तरह से हम उसको दूर कर सकते हैं। ये होता है मीडियम एज के लोगों में होता है। उसके बाद आया था आपका तीसरा दोष कौन था, जरा दृष्टि दोष। यह किस में होता है, ओल्ड एज वाले लोगों में होता है। और इसका रीजन क्या होता है ओल्ड एज वाले लोगों में क्यों होता है। देखो इस ओल्ड एज वालों में तो इसका रीजन है, इसमें ना तो आपको पास की चीज़ ना ही दूर की चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम डिफोकल लेंस का यूज करते हैं। नीचे वाला होता है उत्तल लेंस, ऊपर वाला होता है अवतल लेंस, ठीक है, नीचे वाला उत्तल लेंस, ऊपर वाला अवतल लेंस। जिससे कि देखो, जैसे आपने पढ़ा था दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ तो आपको साफ दिखाई दे रही है परंतु पास की चीज़ साफ दिखाई नहीं दे रही। तो जब आप जैसे अखबार पढ़ने जाते हो, अखबार पढ़ते हो तो ऐसे देखते हो, अरे यार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या कर रहे हो, चश्मा लगाओगे, देखोगे हाँ दिखाई दे गया। तो इस तरह से करते हैं उसको दूर करने के लिए। ऐसे ही आपको सुई में धागा डालना है, तो आपको देखो, आपको अगर दूरदृष्टि दोष
तो आप धागा पास नहीं डलेगा, तो ऐसे करोगे आप दूर धागा करोगे फिर डालोगे, तो आपको दूरदृष्टि दोष के लिए मैंने बता दिया किसका यूज करेंगे, कौन कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का। और जरा दृष्टि दोष में दोनों का यूज करेंगे, नीचे वाला उत्तल लेंस होगा, ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। चौथा था अभिन्दुकता, चौथा था आपका अभिन्दुकता। अभिन्दुकता होता क्यों, देखो अभिन्दुकता में होता क्या है, अभिन्दुकता में आपके लिए होता है कि जो इमेज है, जो वस्तु की इमेज, रेटिना पर आवरण कर, रेटिना के एक बिंदु पर आवरण कर, अनंत अलग अलग बिंदुओं पर बनती है, अलग अलग बिंदुओं पर क्या बनती है, इमेज बनती है। यह बनती क्यों है, यह इसलिए बनती है क्योंकि आपकी जो कोर्निया है, जो आपकी जो कोर्निया है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जब टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वहाँ से जो आपका जो इमेज बनेंगे वो रेटिना के अलग अलग बिंदुओं पर बनेंगी, अलग अलग बिंदुओं पर बनेंगी, तो जिससे ये आपका अभिन्दुकता दोष होता है। इसको दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टॉरिक लेंस का यूज करते हैं, जो कि एक सिलेंडर में से काटा हुआ है, ठीक है। तो टॉरिक लेंस का हम यूज करते हैं इसको दूर करने के लिए। और क्या होता है, और इसमें होता है आपका जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है वो स्पष्ट एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं दे सकती। यदि आपको हॉरिजेंटल स्पष्ट दिखाई दे रही है तो वर्टिकल घुमावदार दिखाई देंगे, यदि आपको वर्टिकल स्पष्ट दिखाई दे रही है तो हॉरिजेंटल घुमावदार दिखाई देंगे। तो ये चीज़ मैंने फिर दोबारा से रिवाइज करा दिया आज जितना पढ़ाया था, तो इस प्रकार हमने लेंस मिरर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, लेंस और मिरर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, अब इसमें और सवाल हैं वो भी ले लेते हैं हम, ठीक है। सवालों को ले लेंगे, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको पूरा रिवाइज करना है। और हमें अपना फीडबैक देना कि आज की आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें, सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दें। और यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब जो आपकी जो क्लासेज होंगी बिल्कुल ऐसे होंगी, एक बार पढ़ो बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बिल्कुल आसानी से बेसिक रूप से बताएंगे यूजेज, रटना कुछ नहीं है, हमारा मकसद आपको रटाना बिल्कुल नहीं है, बस समझाना है, आपको समझना है, हमें समझाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो भी आपके डाउट हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डाउट ग्रुप है, धर्मेंद्र क्लासेज डाउट ग्रुप, टेलीग्राम पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी डाउट है आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, यदि आपकी इसकी PDF चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी की पूरी PDF चाहिए, तो वो भी आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर ही मिलेगी। बट आप खुद बना रहे हो नोट्स, सबसे बढ़िया है, नहीं तो यदि जरूरत हो तो हम आपको डाल देंगे PDF, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ते हैं कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, बाय, ठीक है बच्चों, चलो तो बाय।